कहते हैं कि इंसान जिद पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता, नामुमकिन काम भी फिर उसके लिए मुमकिन हो ही जाता है। ऐसा ही एक काम नसीराबाद श्री गोविंद सिंह गुजर महाविद्यालय के सेकंड ईयर के छात्र कान सिंह रावत ने किया है। आइए देखिए यह रिपोर्ट। गरीब परिवार के इस बेटे ने सोलर एनर्जी से चलने वाली साइकिल बनाई है। इस साइकिल की खास बात यह है कि साइकिल सोलर ऊर्जा से तो चलेगी ही, लेकिन जब बारिश का मौसम या सोलर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये साइकिल बैटरी से भी चल सकती है। कान सिंह को इस साइकिल को बनाने में लगभग 6 से 8 माह का समय लगा और इस साइकिल को बनाने में 20,000 का खर्च आया। कान सिंह की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाओं ने कान सिंह को बधाई देते हुए कहा कि इस कार्य को सरकार को समर्थन देना चाहिए। इस तरह की बाजार में साइकिल उतरेगी तो बेशक पॉल्यूशन पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। मेरा नाम कान सिंह रावत है, मैं श्रीनगर से हूँ। मैंने इसको बनाने के लिए इसलिए मैंने ये निर्णय किया क्योंकि हमारे देश के अंदर जो पोल्यूशन है वो निरंतर बढ़ता जा रहा था, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना हमारे लिए किसी का तो दायित्व है कि हम पोल्यूशन को कम करें। तो लोग बाग जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल चीज़ें आ रही थी वो आ तो रही थी लेकिन उनको यूज़ नहीं करते, और किस वजह से यूज़ नहीं करे थे इसी चीज़ पर मैंने काम करके इसको बनाया मैंने। और इसको बनाने के अंदर मेरे को कम से कम 6 से 7 महीने लग गए मेरे को इसको बनाते हुए, और 6 से 7 महीने में ये भी पूरी तरह कंप्लीट है। इसके अंदर मैंने सोलर सिस्टम का भी उपयोग किया है जिससे कि ये सोलर सिस्टम से भी चलेगी, और इसके अंदर मैंने बैटरी का भी यूज़ किया है जिससे कि ये हमारे अगर किसी दिन मान लो सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो ये हमारी बैटरी से चार्ज होकर भी ये चल सकती है और सोलर सिस्टम से भी ये प्रॉपर काम करेगी। तो इसकी जो माइलेज है वो 35 से 40 किलोमीटर की है, और इसकी स्पीड भी यही है, 35 से 40 की स्पीड है इसकी, और इस पर एक जना आराम से कैसे भी चल सकता है। इसके वैसे दो जने बैठ के इस पर चल सकते हैं लेकिन ये एक के लिए एकदम परफेक्ट है, और ये स्टूडेंट लाइफ के लिए ही मैंने इसको बनाया है ताकि स्टूडेंट के अंदर ये जागरूक हो और वह पोल्यूशन को कम करने में हमारी मदद करे। पहली बार ही हमारे कॉलेज में किसी बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है, और कान सिंह ने जो ये बाइक बनाई है जैसा ये कहता है कि ये एनवायरमेंट का पॉल्यूशन कम करने में वह हमें बहुत मदद करेगी, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि जो स्कूटर्स और मोटरबाइक्स और इन पर इतना घूमते हैं और इतना पेट्रोल में हम पैसा खर्च करते हैं वो भी बचेगा, और ये सोलर पावर्ड है तो हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ हम सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम स्कूल कॉलेज आने में तो करना ही चाहिए ताकि आसानी रहेगी हमारे लिए, ठीक है ना। और मैं समझती हूँ इस बच्चे को भी बहुत अवार्ड देना चाहिए सरकार को कि इतना अच्छा काम इसने किया है, कॉलेज का भी नाम इतना रोशन किया है। और हम सबकी पसंद आजाद स्वीट्स अजमेर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।